हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निकलेश जैन फ्रॉम चेस बेस इंडिया और मेरे साथ हैं वुमेन इंटरनेशनल मास्टर और मेरी धर्म पत्नी जी एंजेला एंड यहाँ पर अनु शिवात्री, जो कि हम जा रहे हैं स्पेन बार्सिलोना, जो कि टूर्नामेंट है वहाँ पर, तीन टूर्नामेंट। तो आपको इस जर्नी में हम अपने साथ लेकर के चलेंगे, तो चलिए चलते हैं। ये है फिलहाल हमें दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। और इस तरह हम निकल पड़े बार्सिलोना के सफ़र पर, और पहला पड़ाव था हमारा मॉस्को। तो कुछ इस अंदाज में शुरू हुई हमारी यात्रा। और हम निकल पड़े मॉस्को के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी हूँ मॉस्को एयरपोर्ट में और एक घंटे बाद हमारी फ्लाइट है बार्सिलोना के लिए। मेरे साथ अनु श्रीवास्तव जो बैठे हुए हैं, हम यहाँ से जाएंगे बार्सिलोना। यहाँ से लगेंगे बार्सिलोना जाने में करीब करीब 4 घंटे 40 मिनट, और उसके बाद बार्सिलोना पहुँचेंगे। और 2 दिन बाद है टूर्नामेंट शुरू है चेस इंटरनेशनल। खैर, आज है वर्ल्ड इंटरनेशनल चेस डे, तो आप सभी को इंटरनेशनल चेस डे की बहुत बधाई। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे मॉस्को एयरपोर्ट में बिताकर हम निकले बार्सिलोना के लिए, और बार्सिलोना का ये सफ़र तकरीबन 4 घंटे 40 मिनट लंबा था। तो ये हवाई यात्रा शुरू हुई, और आप देख सकते हैं ये संगम होता है धरती और आकाश के बीच एक समय का, जहाँ पर आप धरती से निकलकर आकाश के बीच अपनी यात्रा तय करते हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे हम छोड़ते जा रहे हैं सुंदर शहर मॉस्को, रूस की राजधानी, और अब जाएंगे स्पेन की खेल नगरी बार्सिलोना। तकरीबन 4 घंटे 30 मिनट के सफ़र के बाद हम तैयार थे बार्सिलोना पहुंचने के लिए। आप देख सकते हैं नीला समंदर, नीला आकाश और सुंदर और व्यवस्थित शहर बार्सिलोना, खेल जहां की सभ्यता गिना जाता है, कहा जाता है। तो यहां से हम आपके लिए तकरीबन 1 महीने तक लगातार सिटजस इंटरनेशनल, बैडलोना और सांत आद्रिया टूर्नामेंट का जो विश्लेषण है वो लाते रहेंगे, और जुड़े रहिए हमारे साथ कुछ इसी तरह। और यहाँ पहुँचने के बाद हमें जाना था मेट्रो से जहाँ पर हम रुके हुए वहाँ, तो उसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देंगे। तो आप मज़ा लीजिए अंतिम लम्हों का जब हम पहुँचे बार्सिलोना।